संसाधन विकास मंत्री के रूप में अनेक ऐसे उत्पाद थे जिनके माध्यम से पेटेंट करवा करके हम भारत की इस जैव संपदा को दुनिया के सामने सुरक्षित रख करके उस पे होने वाले अनुसंधान का लाभ ले सकते थे। वह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। उस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने जो कंजूसी की या उसको हमने जो वहीं पर रोक दिया, एक सरकार ने किया है, दूसरी सरकार क्यों इसको आगे बढ़ाएगी और उसका दुष्परिणाम क्या रहा, पूरे देश को इसकी कीमत भुगतनी पड़ी। आपने देखा होगा योग भारत की हजारों वर्षों की ऋषि परंपरा का एक प्रसाद है, लेकिन एक अमेरिकन ने 2006-07 में योग के कुछ आसनों को अपने नाम से पेटेंट करवाने का कार्य किया था। बाद में इसमें जब काफी विरोध हुआ, उसके बाद फिर उन्हें वापस लेना पड़ा। ऐसे ही हल्दी के नाम पे था, जामुन का था, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिनको हम लोग आगे बढ़ा सकते थे। और मुझे लगता है कि आयुर्वेद का क्षेत्र बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत विस्तृत कार्य क्षेत्र है आपका। आज भी हम इस बात को मान सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो वेलनेस सेंटर आयुष मंत्रालय के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर हम आम जन को बेहतर सुविधाएं इसके माध्यम से दे सकते हैं, आरोग्यता दे सकते हैं इसके माध्यम से, और इस आरोग्यता को आगे बढ़ाने का माध्यम आपका आयुर्वेद हो सकता है। आयुर्वेद किसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी आयुष मंत्रालय को अलग से गठन करके इस क्षेत्र का हमारा जो आयुष